नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाल अंसारी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये वो शख्स हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। आज इस महान शख्सियत को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि 27 जून 1838 में बंगाल के परगना जिले में बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म की सही तारीख क्या है, इस पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 25 जून को हुआ था तो कुछ 26 जून को मानते हैं, लेकिन उनकी महानता पर किसी को मतभेद नहीं है। तो चलिए उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनके बारे में कुछ खास। बंकिम चंद्र चटर्जी स्कूल के दिनों से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। महज 14 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने संवाद प्रभाकर नाम की एक बंगाली पत्रिका में लिखना शुरू कर दिया था। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी, जिसे आज कोलकाता कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी सेवा में शामिल हो गए और 1891 में सरकारी सेवा से रिटायर हो गए। बंकिम बाबू बांग्ला में एक बेहद सम्मानित साहित्यकार थे। वो बांग्ला के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार तो थे ही, साथ ही दूसरी भाषाओं में भी उनके लेखन का व्यापक प्रभाव पड़ा। यही वजह है कि भारतीय जनमानस उन्हें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता के रूप में जानती है। बंकिम बाबू ने अपने युवावस्था से ही नौकरी के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए। फेमस उपन्यास आनंद मठ लिखने से पहले ही वो एक साहित्यकार के रूप में स्थापित हो चुके थे। 1865 में उनका उपन्यास दुर्गेश नंदिनी प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने बंकिम चंद्र की लोकप्रियता को बहुत बढ़ा दिया। दुनिया के बहुत सारे विद्वान आज भारत के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को हिंदू राष्ट्रवाद का युग कहते हैं। ये एक ऐसा राष्ट्रवाद है जिसे हिंदू धर्म का गौरव भी हासिल है। बहुत सारे लोगों को आज भी इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत में राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के साहित्य में मौजूदा राष्ट्र प्रेम को साहित्य के विद्वानों ने रोमांटिक आइडियोलॉजिज्म कहा, यानी आदर्शवाद के प्रति हद से ज्यादा समर्पण और प्रेम। बंकिम चंद्र के उपन्यास देशभक्त और चरित्रवान थे, जो गुलाम भारत में लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। बंकिम चंद्र ने लोगों के अंदर एक दीवानगी और जुनून पैदा कर दिया। यही वजह है कि बहुत से क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते हुए फांसी के तख्ते पर झूल गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।